नमस्कार दोस्तों, चक्रासेज यानी क्या कहते हैं आपके चक्र के इस भाग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि सहस्त्रार चक्र यानी क्राउन चक्र को कैसे बैलेंस किया जाए। पिछले भाग में हमने देखा कि क्राउन चक्र का कोई बीज मंत्र नहीं है, लेकिन कई लोग ओम का उच्चारण करके, ओम का जाप करके इसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेडिटेशन यानी ध्यान में स्थित होकर और सहस्त्रार चक्र पे या आज्ञा चक्र पे फोकस करके हम सहस्त्रार चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। यह चक्र पीनियल ग्लैंड से संबंधित है, जो कि हमारे पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म पर नियंत्रण रखती है, चलन वलन पर नियंत्रण रखती है। इसीलिए अगर इस ग्रंथि में कोई गड़बड़ हो जाए तो हमारी बाकी की 6 ग्रंथियों में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना शुरू हो जाता है। इस चक्र का रंग बैंगनी माना गया है, इसलिए बैंगनी रंग के एसिड्स यानी चीजें इस्तेमाल करने से, बैंगनी रंग के कपड़ों को पहनने से तथा बैंगनी रंग के फल और सब्जियों का सेवन करने से इस चक्र को संतुलित होने में मदद मिलती है। इस चक्र के संतुलन में लैवेंडर या जैस्मिन यह ऑयल्स भी मदद करते हैं। जो लोग हिंदुस्तानी क्लासिकल संगीत को पसंद करते हैं, वो लोग भैरवी और दरबारी रागों को सुनकर या गाकर भी, इंस्ट्रूमेंट पे बजाकर भी इस राग के द्वारा सहस्त्रार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। जो लोग योगा में रुचि रखते हैं, वो शीर्षासन और शवासन जैसे आसनों का प्रयोग करके भी सहस्त्रार चक्र को संतुलित कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, सहस्त्रार चक्र के संतुलित ना होने से डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स, लिम्फैटिक सिस्टम के प्रॉब्लम्स, स्किन के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए ऐसे वक्त भी अगर हमें पता नहीं है कि हमारा चक्र संतुलित है या नहीं, तो इन सब प्रॉब्लम्स से अगर हम गुजर रहे हैं तो हमें ये सब चीजों को इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि हमारे सहस्त्रार चक्र में बैलेंसिंग संतुलन आ जाए और हम इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पा सके। सहस्त्रार चक्र को संतुलित करने से हम सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि खुद के बारे में जानना, या फिर जैसे हम कह सकते हैं कि आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने लगते हैं। इसके बैलेंस होने से हमें हमारे सारे कनेक्शंस, हमारा खुद का डिविनिटी से क्या कनेक्शन है और इस जगत से क्या कनेक्शन है, ये सब हमें पता चलने लगता है। क्योंकि इस चक्र का कहना है, आई नो, मैं जान गया हूँ, मैं जानता हूँ। तो इसलिए अगर हम इन सारी बातों के बारे में उलझन में फंसे हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो हमें सहस्त्रार चक्र के संतुलन पर काम करने से इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं हमारे सहस्त्रार चक्र को संतुलित करने। अगले भाग में हम देखेंगे कि सहस्त्रार चक्र को संतुलित करने के लिए कौन से पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग किया जाता है।